चोकचोकमा प्रोजेक्टर लगाएर फिल्म चाहिँ देखाउनु पर्ने रहेछ। त्यहाँको सबैभन्दा नजिकको राम्रो स्तरीय हल भनेको लाबिन हो, त्यहाँ 3 बजे पछाडि सो छैन, लेले डाँडासम्म पर्छ होइन। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप खटका के साथ हुई बड़ी नाइंसाफी, जिसको लेकर वो हाल ही में बहुत नाराज हुए, दुखी दिखे और साथ ही काफी गुस्से में दिखे, और उन्होंने मीडिया के जरिए इसका जिक्र भी किया। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है, जिसकी वजह से वो पहली बार इतना दुखी और नाराज दिखे। दोस्तों, हुआ ये कि प्रदीप खटका के करंट मूवी प्रकाश नेपाल के थिएटर्स में आई हुई है, जिसको लेकर वो काफी चिंतित और परेशान है, क्योंकि उनके प्रकाश मूवी पूरे नेपाल में सिर्फ 10 थिएटर पे आ रहे थे। नेपाल के जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो प्रकाश मूवी को अच्छे टाइम पे दिखा नहीं रहे थे और बहुत ही कम शो प्रकाश मूवी को दे रहे थे। प्रदीप खटका बहुत नाराज है, उन्होंने कहा 3 बजे बाद प्रकाश मूवी का कोई भी शो नहीं है, मेरा घर ललितपुर में है और वहाँ का सबसे अच्छा हॉल है लाबिंग, जहाँ पर 3 बजे बाद प्रकाश मूवी का शो नहीं है। मेरे परिवार के लोग फिल्म देखूंगा बोलने से या तो फ्लाइट बुक करके भेजना पड़ेगा या तो टैक्सी बुक करके। उन्होंने कहा मैं सबको नहीं बोलूंगा, जो इंडिविजुअल है उन्होंने शो का अच्छा टाइमिंग दिया है, मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग एक बैलेंस क्रिएट करके दिया है। जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स है, उन्होंने ये किया कि बाकी जो शो है 5 बजे बाद उनको 2-2 बार दिया है, 6 बजे, 8 बजे और 9 बजे को भी, लेकिन प्रकाश मूवी का शो उन लोगों ने नहीं दिया। इससे प्रकाश मूवी और प्रदीप खटका के लिए बड़ी नाइंसाफी है। 3 बजे पछाड़ी प्रकाश को शो नहीं छैन, ललितपुर हो मेरो घर, ललितपुर भनेको वहाँ लेले डाँडासम्म पर्छ हैन, त्यहाँको सबैभन्दा नजिकको राम्रो स्तरीय हल भनेको लाबिन हो, त्यहाँ 3 बजे पछाडि सो छैन, शुक्रबार मान्छेहरू काम हुन्छ के हुन्छ, फिल्म हेर्ला मेरो परिवारका मान्छेले फिल्म हेर्छु भन्दाखेरि मैले कि जिसको लेकर प्रदीप खटका ने कहा हमने मूवी बनाया है लेकिन हॉल नहीं मिलने से हम हॉल तो नहीं बना सकते। उन्होंने कहा अगर हॉल नहीं मिलेगा तो हम चौक चौक पर प्रोजेक्टर लगाकर इस मूवी को दिखाएंगे। अब हमने फिल्म बनाएको छौ, हॉल नपाएपछि हॉल तो बनाउन सकिदैन, चौक चौकमा प्रोजेक्टर लगाएर फिल्म चाहिँ देखाउनु पर्ने रहेछ, हामीलाई पैसा कमाउनु मतलब थियो भनेदेखि हमें पैसा से मतलब होता तो हम सीधा जगह की व्यापार करते 1-2 करोड़ लगाकर। मेरा मन इसलिए दुखा क्योंकि इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनका मूवी प्रकाश का शो 10 से लेकर 26 हुआ है। इस परेशानी को लेकर वो इंडिया जाकर प्रेम की 3 का प्रमोशन भी नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर वो काफी दुखी है और परेशान भी, इसलिए हम सबको उनका सपोर्ट जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रदीप खटका के साथ नाइंसाफी हुआ है कि नहीं? और अगर आपको लगता है नाइंसाफी हो रहा तो कमेंट में जरूर लिखिए। वी सपोर्ट प्रदीप खटका, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। ओनली नेपाल।